अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने पीएम आवास पर दीपोत्सव मनाया। उन्होंने रामलला की तस्वीर के आगे दिया भी जलाया। बाद में पीएम ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सभी से घर में दिए जलाने की अपील की। इसी क्रम में उन्होंने खुद भी दिए जलाकर दिवाली मनाई। तो ये तस्वीरें आप देखिए कैसे उन्होंने दिए जलाए और पूरे देश ने जश्न मनाया। हर घर में कल दिवाली मनाई गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होते हैं यजमान के तौर पर। उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं तो घर पर वो दिवाली मनाते हैं। पीएम आवास पर वो खुद दिया जलाते हैं और ऐसे में सबसे आह्वान भी करते हैं। ऐसे में हर जगह खुशी के गीत गाए गए और ये तस्वीरें बेहद अद्भुत। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम दस सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में आज आम लोगों के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। राम काज संपन्न हो गया है, लेकिन सियासत कम होने के नाम ही नहीं ले रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उनका यह बयान काफी विवादित है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आए कि 6 दिसंबर के दिन को जो लोग भूल जाने को कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप या माँ की मौत को भूल सकते हो क्या? और ऐसा पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया है, लेकिन कल जब प्राण प्रतिष्ठा होती है उस मौके पर ये भड़काने वाला बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है।